हेलो एंड वेलकम टू MMB ऑटो टेक क्लासेस। मैं राहुल वाजपेयी आपका स्वागत करता हूँ अपनी आज की इस क्लास में। मेरी आज की जो क्लास है ऑटोमोटिव ब्रेक के बेसिक टाइप के ऊपर बेस्ड होगी। आज की क्लास में हम जानेंगे ब्रेक क्या होता है, ब्रेक किस तरह कार्य करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और साथ ही साथ इसके एक बहुत ही बेसिक टाइप इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक के बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। सबसे तो पहले जानेंगे कि ब्रेक क्या होता है। ब्रेक वह डिवाइस है जो रनिंग कंडीशन में व्हीकल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जब गाड़ी चल रही होती है उस समय ये गाड़ी को कंट्रोल करता है। वहीं दूसरी ओर हम इसे और कहेंगे तो इस तरह से और कह सकते हैं कि जो ब्रेक है वो ड्राइवर की आवश्यकता के अनुसार व्हीकल को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर स्टॉप या होल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ड्राइवर की आवश्यकता के अनुसार किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर गाड़ी को होल्ड या स्टॉप करने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ब्रेक का वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि ये जो है व्हीकल की जो जब रनिंग कंडीशन में व्हीकल होता है तो ब्रेक दबाने पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्टेड होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है मैंने कि जब किसी वाहन जो कि रनिंग कंडीशन में है उस पर ब्रेक लगाने पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है या गतिज ऊर्जा है वो हीट एनर्जी में घर्षण द्वारा स्थानांतरित हो जाती है और ब्रेक लग जाता है। यह है प्रिंसिपल ब्रेकिंग सिस्टम का। सभी ब्रेक इसी प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम में कई रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसमें पहली रिक्वायरमेंट है व्हीकल स्टॉपिंग अवेबिलिटी। एक अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम वो हम तब कहेंगे कि वो अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है जब वो ब्रेक पेडल दबाने पर गाड़ी को तुरंत रोक दे। ठीक है, जैसे आप ब्रेक पेडल दबा रहे हैं तत्काल दबाते ही अगर गाड़ी रुक रही है तो वो एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम की खासियत या खूबी मानी जाएगी। नेक्स्ट एफर्ट रिक्वायर्ड। ब्रेक पेडल दबाने के लिए या ब्रेक को ऑपरेट करने के लिए लेस ह्यूमन एफर्ट की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि किसी ब्रेक पेडल को या ब्रेक को ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट की आवश्यकता है तो वह एक अच्छा ब्रेक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं इस चीज़ को कि किसी भी ब्रेकिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए लेस एफर्ट की आवश्यकता होनी चाहिए। थर्ड है कैपेबिलिटी एट इंक्लाइंड सरफेस। किसी इंक्लाइंड सरफेस या किसी यहाँ पर ढलान है, ढलान पर आपकी गाड़ी रुकी है तो ढलान पर गाड़ी को होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए ब्रेकिंग सिस्टम को। जहाँ पर आपने ढलान पर जिस जगह गाड़ी यहाँ पर आपने ब्रेक दबाया तो वहाँ पर जो है गाड़ी रुक जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपने ब्रेक दबाया और दबाने के बाद भी गाड़ी नीचे की ओर सरक रही है तो वो अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम की खूबी नहीं मानी जाएगी। अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम आप उसी को कहेंगे जो है ब्रेक दबाने पर जो है उसको उसी पोजीशन को होल्ड करके रखें। नेक्स्ट बियरिंग टेंडेंसी। ब्रेकिंग सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं उनमें वेयर एंड टियर कम से कम होना चाहिए ताकि वो अपनी जो उनका जो फंक्शन है उसे थ्रू आउट द एक्सपेक्टेड लाइफ फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट है साउंड जनरेटेड। ये दो बार आ गया, साउंड जनरेटेड और नॉइज जनरेटेड। इससे तात्पर्य है कि ब्रेक दबाने पर नॉइज कम से कम प्रोड्यूस होनी चाहिए जिससे ड्राइवर और पैसेंजर कन्वीनियंट फील करें। एबिलिटी टू नॉट टू अफेक्ट फ्रॉम एटमोस्फेरिक कंडीशन। इसका तात्पर्य है, इससे मतलब है कि कोई भी ब्रेक उसे आप अच्छा ब्रेक तब कहेंगे जब वो एटमोस्फेरिक कंडीशन से अफेक्ट ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि सीजन चेंज हो जाए, सीजन के चेंज होते ही ब्रेक की जो वर्किंग टेंडेंसी थी, जो वर्किंग कैपेबिलिटी थी वो चेंज हो हर सीजन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेकिंग की टेंडेंसी जो है हर ब्रेकिंग सिस्टम हर एटमोसफेयर में हर सीजन में एक समान होनी चाहिए। नेक्स्ट है नॉइज प्रोड्यूस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि नॉइज कम से कम प्रोड्यूस होनी चाहिए। नेक्स्ट है द ब्रेक लाइनिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोवाइड सफिशिएंट फ्रिक्शन थ्रू आउट द एक्सपेक्टेड लाइफ। ब्रेक शू के आउटर सरफेस पर जो ब्रेक लाइनिंग बनी होती है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो जो ब्रेकिंग सिस्टम की जो लाइफ
आपको रिकमेंड कर जो लाइफ बताई गई है सर्विस बुक में, तो उस तक वो मतलब उतनी उतनी लाइफ में वो अपना फंक्शन फुलफिल करना पड़े कर सके, ऐसा ना हो कि वो अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ से पहले ही खराब हो जाए वो, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो बताया जा रहा है कि आपका ब्रेकिंग लाइनिंग इतने समय तक काम करेंगी, ठीक है, जब आप जहाँ से गाड़ी आपने खरीदी है वहाँ बताया जाता है सर्विस बुक में लिखा हुआ है, उतना टाइम तक वो काम कर सके इजीली। स्टीयरिंग अफेक्टेड पॉसिबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। कोई भी ब्रेकिंग सिस्टम को आप तब अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम बोलेंगे जब ब्रेक लगने पर उसके द्वारा स्टीयरिंग प्रभावित नहीं हो रही है, स्टीयरिंग उससे अफेक्टेड नहीं हो रही है। अगर ब्रेक लगाने पर स्टीयरिंग अफेक्टेड हो रही है इसका मतलब आपका ब्रेकिंग सिस्टम खराब है, ठीक है। तो इसलिए एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम की स्टीयरिंग अफेक्टेड पॉसिबिलिटी जीरो होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम को कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होनी चाहिए, उसे थ्रू आउट द एक्सपेक्टेड लाइफ बहुत ही कम मेंटेनेंस वो कार्य कर सके, ठीक है, और बहुत ही कम मेंटेनेंस में ऑपरेट हो, ये एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि बार बार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार वो खराब ही बना रहे, बार बार आप उसे लेकर जो है ब्रेक को लेकर दुकान पे जाएं, सर गैराज पे जा रहे हैं ब्रेक शू के नाम है अपनी गाड़ी के, कहीं आपका ब्रेक शू खराब हो गया, कहीं रिटर्निंग स्प्रिंग खराब हो गई, ठीक है, बार बार उसमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक। मैकेनिक जो है ऑटोमोबाइल ब्रेक को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक और पावर ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, इंटरनल एक्सपेंडिंग मैकेनिकल ब्रेक, हैंड ब्रेक जिन्हें पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं, सेकेंड हाइड्रोलिक ब्रेक, और थर्ड आपको पावर ब्रेक है। पावर ब्रेक को फिर 4 भाग में बांट दिया गया है, एयर ब्रेक, एयर हाइड्रोलिक ब्रेक, वैक्यूम ब्रेक और इलेक्ट्रिक ब्रेक। आज के हम इस वीडियो में मैकेनिकल ब्रेक के बारे में जानेंगे कि मैकेनिकल ब्रेक क्या होता है, और साथ ही साथ इसका जो एक बेसिक टाइप है इंटरनल एक्सपेंडिंग मैकेनिकल ब्रेक, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जानते हैं मैकेनिकल ब्रेक के बारे में कि मैकेनिकल ब्रेक क्या होता है। ऐसा ब्रेक जो लीवर्स, लिंकेज, कैम और पैडल की सहायता से मैनुअली ऑपरेट होता है उसे हम मैकेनिकल ब्रेक कहते हैं। ये मैंने लिखा है वहाँ पर, वो ब्रेक जो लीवर, लिंकेज, पैडल एवं कैम की सहायता से मैनुअली ऑपरेट होते हैं मैकेनिकल ब्रेक कहलाते हैं। आज के समय में मैकेनिकल ब्रेक ज़्यादा उपयोग में नहीं है, इनके स्थान पर हाइड्रोलिक या पावर ब्रेक का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि पावर ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मैकेनिकल ब्रेक, और नॉइज़ भी यहाँ पर कम प्रोड्यूस होती है, लाइफ भी इनकी अच्छी होती है। इसके बारे में जब हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक और पावर ब्रेक के बारे में बताएंगे तो आपको विस्तार से इसके बारे में बताया जाएगा, और एक कंपेयर भी हम लोग वहाँ पे करेंगे मैकेनिकल ब्रेक के साथ में, वहाँ पे तो आपको और बेहतर तरीके से वहाँ समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल एक्सपेंडिंग टाइप मैकेनिकल ब्रेक की, इसको ड्रम ब्रेक भी कहते हैं। यह ब्रेक 2 ब्रेक शू S1 और S2 से मिलकर बना होता है। इन ब्रेक शू की जो आउटर सरफेस पर फ्रिक्शन मटेरियल की लाइनिंग होती है, जनरली ये फ्रिक्शन मटेरियल की लाइनिंग फेरेडो की होती है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है आईटीआई के एग्जाम में या किसी आप इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ब्रेक शू की जो फ्रिक्शन लाइनिंग होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है। तो ब्रेक शू की जो फ्रिक्शन लाइनिंग फेरेडो की बनी होती है। दोनों ब्रेक शू जो होंगे दोनों ब्रेक शू अपने एक एक एंड पर जो है पाइवेटेड होते हैं, ठीक है। सपोज आपका जो ब्रेक शू S1 है वो आपका ओवन पॉइंट पर, एक एंड पर जो ओवन पॉइंट मान लेते हैं वहां पर कोई पॉइंट होगा ओवन, वहां पर वो फिक्स होगा, पाइवेट का मतलब है फलक्रम की सहायता से फिक्स होना। उसी तरह दूसरा पॉइंट O2 पर फिक्स होता है, और जो दूसरा एंड होता है वो ऊपर कैम से जुड़ा होता है, ठीक है। दूसरा एंड मतलब ब्रेक शू के 2 एंड होंगे, पहला एंड ये ओवन मान लिया, दूसरा एंड मान लिया ये, तो ये वाला जो एंड है वो कैम से जुड़ा है और ये वाला एंड फिक्स है, ये मूव नहीं करता है, वो पहला ऊपर वाला पॉइंट है ये मूव करता है, ठीक है। जैसे कैम ऑपरेट होगी तो ये मूव करेगा। ब्रेक शू रिटर्न स्प्रिंग एक होती है जो दोनों ब्रेक शू को कनेक्ट करती है, और जैसे ही ड्राइवर पेडल जब जब ड्राइवर ब्रेक पेडल को रिलीज करता है तो ये ब्रेक शू को ओरिजिनल ओरिजिनल पोजिशन में लेके आने में हेल्प करती है।
अब जानेंगे इसकी ऑपरेशन को किस तरह से कार्य कर सॉरी एक बार आपको डायग्राम से बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ होती है। ये ब्रेक ड्रम का डायग्राम है, जब आप इसे खोलेंगे तो आपको ब्रेक जब आप ब्रेक ड्रम को खोलेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ये पहला ब्रेक शू है S1, ये दूसरा ब्रेक शू है S2, ये ब्रेक शू रिटर्न स्प्रिंग है। जैसा आपको मैंने बताया था, ये ब्रेक जब ड्राइवर ब्रेक पेडल को रिलीज करेगा तो जो है ब्रेक पेडल को यानी ब्रेक शू को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आने में वापस लौटने में हेल्प करती है। ये मैकेनिकल कैम है जो कि लिंकेज के थ्रू ब्रेक पेडल से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पेडल को प्रेस करता है तो ये कैम है ये ऑपरेट करती है, कैम ऑपरेट होगी। ठीक है, कैम बैंड होगी, जैसे बैंड होगी तो ब्रेक शू को भी इसी ये ब्रेक शू हो गए, ये दोनों ब्रेक शू हो गए, जैसे कैम पर फोर्स आया तो ये तिरछी होती है, तो ये क्या करती है इसको दोनों जो ब्रेक शू उनको आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है। ठीक है, इसमें ब्रेक शू के नाम भी हो, जैसे यहाँ लिखा है लीडिंग शू, ये लिखा है आपका ट्रेलिंग शू। अब कौन लीडिंग है कौन ट्रेलिंग है ये हम आगे लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ऑपरेशन, जब ब्रेक पेडल प्रेस किया जाता है तो ड्राइवर जो ब्रेक पेडल दबाने पर जो फोर्स लगाता है वह फोर्स मैकेनिकल लिंकेज की सहायता से कैम तक पहुंच जाता है, और कैम उसकी वजह से क्या होता है ऑपरेट होता है, बैंड होता है थोड़ा सा, थोड़ा अपनी पोजिशन से थोड़ा तिरछा होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कैम जो है दोनों ब्रेक शूज से जुड़ा होता है। तो जैसे ही कैम ऑपरेट होता है तो ये क्या करता है दोनों शूज को बाहर की ओर मूव कराता है, एक्सटेंड कराता है। जैसे शू बाहर की ओर एक्सटेंड करते हैं तो ये घूमते हुए रोटेटिंग ड्रम के संपर्क में आते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं, उसकी स्पीड कम हो जाती है और एक टाइम बाद वो रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो ब्रेक शू है घूमते हुए ड्रम को रोक देते हैं। और सेकंड केस, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पेडल को रिलीज करता है तो क्या होता है ब्रेक पेडल ऊपर आएगा और कैम पर कोई फोर्स नहीं होता है, कैम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। जैसे ही कैम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने लगता है तो रिटर्निंग जो ब्रेक शू रिटर्निंग स्प्रिंग है वो भी जो है ब्रेक शू को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लेके आती है, जिस वजह से ब्रेक ड्रम का के साथ ब्रेक शू का कोई संपर्क नहीं रहता है और ब्रेक ड्रम फ्री हो जाता है। अब जब जैसे ही ब्रेक ड्रम फ्री होगा तो ब्रेक जो है चूंकि आपको मैंने बताया था कि ब्रेक ड्रम के ऊपर ही व्हील माउंट होता है, जैसे ही ब्रेक ड्रम फ्री होगा तो व्हील भी फ्री हो जाएगा, घूमने लगेगा। और जैसे ही जब ड्राइवर ब्रेक पेडल प्रेस करता है तो क्या होता है जो ब्रेक शू ब्रेक ड्रम के संपर्क में आते हैं और ब्रेक शू ब्रेक ड्रम को जो है रोक देते हैं। ठीक है, और जैसे ब्रेक ड्रम रुकेगा तो व्हील भी रुक जाएगा और व्हील लॉक हो जाएगा। ये चीज है, इस चीज को हम एक बार फिर से जो है फ्लो डायग्राम की सहायता से समझेंगे दोनों केसों को लेकर। पहला केस होगा जिसमें ड्राइवर ने ब्रेक पेडल को प्रेस किया है और दूसरे में ब्रेक पेडल को रिलीज किया है। तो पहला केस, यहाँ पर ड्राइवर ने ब्रेक पेडल को प्रेस किया है तो मोशन मतलब फोर्स ट्रांसफर हुआ कैम पर, कैम ऑपरेट होगा, और जैसे ही कैम ऑपरेट होता है तो क्या करता है ये जो ब्रेक शू को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है, बाहर की ओर मूव कराता है। जैसे ब्रेक शू बाहर की ओर मुड़ते हैं तो क्या होगा ये जो रोटेटिंग ड्रम के संपर्क में आते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि ब्रेक ड्रम के ऊपर ही व्हील माउंट होता है, तो जैसे ही ब्रेक ड्रम रुकेगा व्हील भी रुक जाएगा। ठीक है, और भी लॉक हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक में, और जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक पेडल को रिलीज किया तो ब्रेक पेडल ऊपर की ओर आता है, ऊपर की मूव करता है, कैम जो है अपनी ओरिजिनल अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में लौटते हैं, ब्रेक शू रिटर्न स्प्रिंग जो है ब्रेक शू को वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लेके आती है, ब्रेक शू का ड्रम के साथ कोई संपर्क नहीं रह जाता है, ब्रेक ड्रम फ्री हो जाता है घूमने के लिए। और जैसे ही ब्रेक ड्रम फ्री होता है, जैसा आपको मैंने बताया था कि ब्रेक ड्रम के ऊपर ही माउंट होता है व्हील, जब ब्रेक ड्रम फ्री हो गया तो व्हील भी फ्री हो जाता है और व्हील मूव करने लगता है अपने एक्सेस पे, इस तरह से जो है ब्रेक पेडल रिलीज होने पर व्हील
वहाँ घूमने लगता है फ्रीली होके। ठीक, तो ये तो बात थी वर्किंग की, किस तरह जो है इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक कार्य करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे, जैसा आपको मैंने बताया था कि लास्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि लीडिंग शू और टेलिंग शू क्या होता है, अर्थात ब्रेक शू के प्रकार। तो ब्रेक शू दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी या लीडिंग शू, और सेकेंडरी आपका होता है सेकेंडरी या ट्रेलिंग शू। तो प्राइमरी शू वो शू होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका जो व्हील ड्रम मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में जो जो ब्रेक शू ऑपरेट होगा, जिस डायरेक्शन में व्हील ड्रम रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में जो व्हील जो ब्रेक शू ऑपरेट हो रहा है, जो ब्रेक शू उस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा है, उसको आप बोलेंगे प्राइमरी या लीडिंग शू। वहीं दूसरा वाला जो कि जिस डायरेक्शन में ब्रेक शू के नाम व्हील ड्रम रोटेट कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो ऑपरेट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी या ट्रेलिंग शू। इसको हम इस डायग्राम समझेंगे, ये जो है एक व्हील ड्रम है और ये इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में जो है ये ऑपरेट हो रहा है, लेफ्ट साइड में ये इस जो उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में जो ब्रेक शू ऑपरेट होगा एक्सटेंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी या लीडिंग शू। वहीं राइट साइड में जो ब्रेक शू ऑपरेट होगा एक्सटेंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी या ट्रेलिंग शू। ठीक है, तो आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे ये आपका S1 शू है वो लेफ्ट साइड में ऑपरेट होगा इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी या लीडिंग शू बोलते हैं। वहीं जो S2 है वो आपका राइट साइड में ऑपरेट होगा, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी या ट्रेलिंग शू बोलते हैं। तो ये तो थी ब्रेक के बारे में हमारी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछिएगा, और आपको अगर ये वीडियो समझ में आया तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोग भी इसके कंसेप्ट को समझ सकें, इसका बेनिफिट उठा सकें। तो थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।